तो लगता है आई लव इंडिया हमें में से किसी को भी पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए सिरे से और मैं इंडिया जाना चाहूंगी सर वो तो नीचे तो हाथ रखते ही नहीं वो वो तो अपना हाथ बहुत ऊपर रखते हैं उन्होंने कहा कोई बात नहीं हमारे पास कमी है किसी चीज की उनके पास तो हर कोई जाने को तैयार है तो भारत की इकॉनमी की ग्रोथ 7.8% है अमेरिका को वो बर्दाश्त नहीं है दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि खास कर, अमेरिका ये चाहता था कि भारत जो है वो जाके चाइना के गले पड़ जाए लद्दाख के फ्रंट के ऊपर वहां जाके उनसे झगड़ा शुरू कर दे वो भी नहीं किया वो फिर उस भारत ने यूक्रेन में खुल के अमेरिका का साथ नहीं दिया ये भी उनको चुपता है फिर उसके बाद गाजा के अंदर भी भारत ने अपना स्टैंड अलग से लिया है वो भी उनको तकलीफ है नवाज शरीफ ने बात की है कि हमें इंडिया के साथ ना। अच्छे रिलेशन करने होंगे मेरे तो बहुत अच्छे है नवाज शरीफ अपनी बात कर रहे आपके हो मेरे भी दोस्त है इंडिया के बहुत अच्छे मेरे उनके साथ राधा राधा इंडिया हमारे से आगे नहीं हमारे से आगे तो बांग्लादेश भी चला गया उनके हमारे अट्ठाईस रूपए उनका एक टक्का है मेरा ख्याल है हमें सबको पानी के नीचे रहना चाहिए और जमीन पर रहने का कोई सीन नहीं है वो दुनिया के लीडर तो दौड़ते हुए जाते हैं इंडिया की तरफ वो तो कोई वो कहते हैं कि अच्छा है कोई ना कोई एग्रीमेंट कराएंगे कोई अपने लिए कुछ ले आएंगे कोई मुहिदा कर लेंगे और वैसे भी भाई इंडिया एक बड़ी ताकत है वहां पे लोग जाना पहुंचना जो है अपने लिए बड़ा वो समझते हैं कि वाशिंगटन डीसी में जो भारतीय और डायस्पोरा है उसने अमेरिका को गर्दन से पकड़ा हुआ है वो भी उनको बर्दाश्त नहीं नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में ना हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान की मीडिया में दो प्रकार की खबरें चल रही है पहली खबर तो ये चल रही है कि अमेरिका जो है ना वो भारत की तरक्की देखकर अब थोड़ा जो है ना जलने लगा है जिसकी वजह से जो है ना अमेरिका अब भारत के ऊपर कई सारे मामलों को लेकर प्रेशर भी डाल रहा है इसके अलावा जो दूसरी खबर वो ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो दौरा रद्द किया था 26 जनवरी को जो उनको आना था तो उसकी जगह पर अब फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के अंदर आ रहे हैं तो वीडियो को पूरी देखना लाइक करना शेयर करना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन आज मैं ये बताना चाहूंगा खासकर इस पर बात करना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर रशिया क्यों गए और हमारे हाफिज आसम मुनीर साहब यहां क्यों आए और क्या वजह क्या है इस वक्त उनका यहां आना उसके पीछे अमेरिका भारत के रिलेशनशिप की भी एक वजह है आ, मैं ये तो नहीं कहूंगा जेजुएशन होगी कि वो खत्म हो गए हैं या ज्यादा डैमेज हो गए हैं लेकिन क्रैक जरूर आया है अब मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त अमेरिका भारत के रिलेशनशिप के अंदर क्या वजुहत हैं जिनकी वजह से ये क्रैक आया है और उसका पाकिस्तान फायदा उठा रहा है वो क्रैक एक ये आया है एक तो भारत की इकॉनमी की ग्रोथ सेवन पॉइंट एट परसेंट है अमेरिका को वो बर्दाश्त नहीं है दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि खासकर अमेरिका ये चाहता था कि भारत जो है वो जाके चाइना के गले पड़ जाए लद्दाख के फ्रंट के ऊपर वहां जाके उनसे झगड़ा शुरू कर दे वो भी नहीं किया उन्होंने फिर उस भारत ने यूक्रेन में खुल के अमेरिका का साथ नहीं दिया ये भी उनको चुपता है फिर उसके बाद गाजा के अंदर भी भारत ने अपना स्टैंड अलग से लिया है वो भी उनको तकलीफ है रेड सी के अंदर अमेरिका और उसके एयरलाइस को हूतियों ने और सुमाली पायरेट्स ने घेरे में लेके उनका नाक में दम कर दिया है वहां बिल्कुल शिपिंग हो ही नहीं इन्होंने दस मुल्कों का इतिहास बनाया है जिसमें भारत शामिल नहीं है यह भी तकलीफ है उनको तो ये सारी वजुहत की बेस पर और दूसरा सबसे बड़ी वजह यह है कि वॉशिंगटन डीसी में जो भारतीय लाबी और डायस्पोरा है उसने अमेरिका को गर्दन से पकड़ा हुआ है वो भी उनको बर्दाश्त नहीं इन वजूहत पे उन्होंने ये जो पिछले दिनों सिख फॉर जस्टिस और ये सारा ड्रामा बनाया गया भारत की गुडविल को डैमेज करने के लिए ये रिफ्टें आई दरमियान में

फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुला लिया वो तो नीचे तो हाथ रखते ही नहीं वो वो तो अपना हाथ बहुत ऊपर रखते हैं उन्होंने कहा कोई बात नहीं हमारे पास कमी है किसी चीज की उनके पास तो हर कोई जाने को तैयार है तो उन्होंने फौरी तौर पर मैक्रोन साहब से कहा पायन आ जाओ ती तो उनका जी होर की चाहदा जी आया नू तो वो जो हैं वो तैयार हैं और अब खबर ये है कि फ्रेंच प्रेजिडेंट जो हैं वो रिपब्लिक डे पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के चीफ़ गेस्ट होंगे और इसमें हमेशा ही ऐसा होता है कि वो किसी ऐसे ही बड़े अथॉरिटी को या प्रेसिडेंट को जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आना था इससे पहले भी दुनिया की कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी जो है उनके रिपब्लिक डे पर मौजूद रहती है तो अब ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट मैक्रॉन हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है जो कि ब्लूमबर्ग में इस वक्त ये खबर चल रही है और इसके अलावा हर जगह पर ही खबर चल रही है कि अब इंडिया के रिपब्लिक डे पर फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन आएंगे ठीक है जनाब ये तो कोई उनके लिए बड़ी बात है ही नहीं वो चाहते तो तीन चार को इकट्ठे भी बुला लेते हैं बहुत सारी पर्सनालिटीज अथॉरिटीज होंगी उनके लिए तो कोई मसला नहीं अभी आपने देखा कि कितनी समिट्स और कॉन्फ्रेंसिस हुई हैं जिसके ऊपर दुनिया भर की लीडरशिप वहां पर मौजूद है वो दुनिया के लीडर तो दौड़ते हुए जाते हैं इंडिया की तरफ वो तो कोई वो कहते हैं कि अच्छा है कोई ना कोई एग्रीमेंट कराएंगे कोई अपने लिए कुछ ले आएंगे कोई मुहिदा कर लेंगे और वैसे भी भाई इंडिया एक बड़ी ताकत है वहाँ पे लोग जाना पहुंचना जो है अपने लिए बड़ा वो समझते हैं अच्छा जहाँ ये चल रहा है वहीं पर हमें ये पता चला कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का इन विजिट था ये अमेरिका का और उनका एक काफी तवील विजिट जिसमें उनकी मुलाकातें ना सिर्फ ये कि सेक्रटरी स्टेट ब्लिंकन से हुई बल्कि इसके अलावा लाई और काफी ऐसी पर्सनालिटीज़ अथॉरिटीज उनके साथ उनकी मुलाकातें हुई अच्छा खबरें बहुत सारी चलती रही कि जनाब वहाँ से ट्वेंटी बिलियन डॉलर्स मिल गए हैं या पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स मिल गए हैं फिर इसके अलावा ये खबरें चलती रही कि बड़े अहम मुआदे हुए हैं फिर ये कि ये कहा गया कि अफगानिस्तान के ऊपर तो यह करना है फिर ये कहा गया कि ये तो हाथ बांध दिए गए हैं और कहा गया कि चाइना का जो है वो छुट्टी कराओ कितने बैठे हो, हो तुम कोई चाइना शाइना नहीं चलो जी हत मिलाओ इंडिया के न मतलब ये कि ये कहा ये, अमेरिका ये कहेगा अमेरिका ने ये कहा है कि आप क्या चाइना की तरफ लपके चले जा रहे हैं आप बस आप चाइना को जो है एक अपने हद में रखें और इंडिया के साथ आप हाथ बढ़ाएं उनके साथ ताल्लुक खाद बनाएं उनके साथ ताल्लुका इंडिया के साथ अच्छे करें अगर आपने तरक्की करना है और अगर आपने आगे बढ़ना है और हमसे भी मदद लेनी है अगर आप हमारे पास आए और हमसे आपको चाहिए तो पहले आप इंडिया के साथ ताल्लुका बेहतर करें आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और जैसा कि इस वीडियो के अंदर बात की गई है कि 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है भारत के अंदर वहाँ पर निमंत्रण दिया गया था अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को लेकिन उन्होंने अभी कुछ समय पहले मना कर दिया कि वो नहीं आ पाएंगे भारत भारत के अंदर तो उसके बाद भारत सरकार ने जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उनको निमंत्रण भेजा उन्होंने स्वीकार कर लिया है और अब वो आ रहे हैं इसके ऊपर भी आपने इस वीडियो के अंदर चर्चा यहाँ पर देखी है पाकिस्तान की मीडिया में कि किस प्रकार से वो चर्चा करें दूसरा आपने पाकिस्तान के पाकिस्तानी मूल के जो डॉक्टर तारर साहब हैं जो अमेरिका के अंदर रहते हैं वीडियो के शुरुआत में आपने उनको सुना है यहाँ पर वो जिस प्रकार से एनालाइज़ कर रहे थे कि अमेरिका और भारत के बीच में रिश्तों में यहाँ पर जो आप पन्नू को ले लीजिए या किसी भी प्रकार का जो थोड़ा सा क्रैक चल रहा है ना तो ये अमेरिका जो है ना भारत के ऊपर एक तरीके से दबाव भी बना रहा है कई सारे मामलों को लेकर लेकिन भारत सरकार जो है ना अमेरिका की एक भी यहाँ पर नहीं सुन रही है और जैसा कि भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब वो कई बार कह चुके हैं कि भारत सरकार वही निर्णय करती हैं जो भारत के हित में होता है तो कुल मिलाकर ये बातें आपने इस वीडियो के अंदर देखी हैं सुनी हैं अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना मिलेंगे अगली नई वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद